मतलब उसका शौक पूरा नहीं हो पाया, सॉरी। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज जो वीडियो आप देखने वाले हो, ये वन ऑफ माय फेवरेट वीडियो। मुझे लगा नहीं था ये वीडियो आप लोग कभी देख पाओगे, क्योंकि ये वीडियो इतना सुंदर करके उस दिन मैंने इतना सज धज के बनाई थी। होता है ना, किसी किसी दिन आपका दिन ना मूड होता है थोड़ा अच्छी तरह से तैयार होकर कुछ अच्छा रेसिपी शेयर करूं, और वो वीडियो आज क्यों पहुंच रहा है, वो वीडियो का आधा क्लिपिंग्स डिलीट हो चुका है। दो दिन से शांतनु की मदद से वीडियो को थोड़ा बहुत जो क्लिपिंग्स आप ही देख रहे हो वीडियो, वो रिकवर हो पाया। अदरवाइज ये वीडियो डिलीट ही शायद, मैंने तो होप छोड़ दिया था। कार्ड खराब होना, डिलीट, ये काफी होता है, जो यूट्यूबर का लाइफ का एक पार्ट होता है। इसके पहले भी मेरा काफी सारे वीडियो, दो चार वीडियो गया है, मतलब एकदम टोटली डिलीट हो जाता है, कार्ड करप्ट हो जाता है। 50% क्लिपिंग्स रिकवर हो चुका है। तो अब ये आप लोग जो देखोगे वो फ्राइडे का वीडियो है, जो सैटरडे जाने वाला था गया नहीं था। आई होप आप लोग समझ पाओगे। तो वीडियो किसी भी रीजन पे देखते देखते अच्छा लगा है लाइक जरूर करना, क्योंकि वीडियो का स्टार्टिंग एंड है या नहीं पता नहीं, अभी एडिट कर रही हूँ उसी में पता चलेगा। चलो एंजॉय करो। और देखो शांतनु जा रहा है, गेट में कुछ सामान आया है तो शांतनु गए है लेने के लिए। अब पानी देखो, वाओ, थोड़ा बहुत तकलीफ तो होता है डेफिनेटली। कुछ फ्रेंड पूछ रहे हैं मतरी ये बैम्बू किस लिए, ये मेंटेनेंस का काम चल रहा था, पेंटिंग का भी काम होने वाला था लेकिन सब कुछ रुक गया। हमारे साथ सुबह से ही आज बारिश हो रहा है, ये होता है मुंबई की बारिश। मतलब ऐसा बारिश कंटिन्यू 3 महीना 2 महीना एटलीस्ट कंटिन्यू ना हो तब तक मुंबई की बारिश तो फील नहीं होती। काफ़ी भर चुका है, ये भी मेंटेनेंस का काम चल रहा था, ये यहाँ पे भी कुछ काम चलेगा शायद, कुछ तो बनाएंगे पूरा। ऐसे करके बच्चे स्कूल जाते हैं बारिश में, शांतनु ऑफिस जाते हैं। अरे क्या करे, कुछ जगह पे ऐसा हालत मुंबई पे होता है थोड़ा बहुत। मैंने खाना बना लिया लेकिन स्वीटी पोटल कैसे, मतलब मैंने फ्राई किया, मैंने बोला थोड़ा बहुत पोटल फ्राई करने के तरीका देखो, ये चिमटा से, ये नया मेथड, किसी को अगर डर लगता है तो ऐसे कैसे करो। कल देखो, कल का रंगोली मतलब जो है ना ये बहुत अच्छा बना है, मुझे आज अच्छा लग रहा है। मैंने आज हटाया नहीं, मैं रख देती हूँ, एक दो दिन रहते। ये स्वीटी का रूम से व्यू दिखाती हूँ, आज एकदम झमाझम बारिश हो रही। सीटी तो भरते के तो किसी देखते आ जाएगा, सीटी बोला मुझे वहाँ से कुछ नहीं दिखेगा। अरे झमाझम बारिश हो रहा है, नीचे देख लो थोड़ा पानी कम हो गया। आगे बढ़ के इधर का व्यू ऐसा है, यहाँ पे बट का पेड़ है ये, लेकिन ये बैम्बू बहुत डिस्टर्ब कर रहा है। मेंटेनेंस जब तक नहीं खत्म होगा तब तक ये बैम्बू टंगा रहेगा क्या। हेलो सीटी का ये लाइट ना फेस पे ऐसा अजीब जैसा आ रहा है, रिंग लाइट में ऐसा इफेक्ट नहीं आ रहा है, कुछ अलग ही इफेक्ट आ रहा है, एकदम फोकस लाइट में ना आंखें जलता है ऐसा वाला। तो वही पूरा झमासम बारिश हो रहा है। पूरी खाओ, सो जाओ। क्या अरे बारिश नाक ढकना पड़ेगा, बारिश में पूरी ना खाए तो हो सकता है क्या। पूरी नहीं, मांस झोल और भात, मांस झोल और भात के खाए। और आज का ये पोटल भाजा राइस, और ये है स्प्रिंग अनियन का चचड़ी, कोकोनट चटनी था वो, और ये है सेमा राइस, कल मैंने थोड़ा सा बनाया था और गरम कर लिया। ये है आज का तामझाम, मतलब तामझाम ही होता है ये किचन पे जब जाऊँ। आज तो बारिश आ रहा है, देख के लगता नीचे जाकर भीगू, बचपन का याद आ गया। मैं तो बचपन में बहुत भीगती थी, मैं क्या करती थी पता, घर का जो जो जहाँ से पानी निकलता था वो जगह पे जाके पत्थर डाल देती थी, मेघ देख के, मतलब क्लाउड देख के, अब पूरा भर जाता था। मम्मी बोलते वहाँ पे कुछ गिरा है, अब मैं क्या स्मार्ट थी, उसको निकालने के चक्कर में मैं गई, अच्छा होगा मम्मी डांटेंगे भी नहीं। क्या स्मार्ट थी, अभी नहीं। Oh baby I love your madness, it's so incredibly ऐ देखो मम्मी क्या कर रही है। अच्छा लग रहा है, दिखाओ दिखाओ। अबे पहले पहनने तो दो, उसके बाद इसके पीछे क्यों, इसके साथ इसका दुश्मनी है पता नहीं। मुझे भी नेल पॉलिश चाहिए। तेरा नेल ही नहीं है तो क्या नेल पॉलिश पहने, इसमें भी लगा दो नेल पॉलिश। अरे वाह, हाथ को खोलो, अरे वाह, अरे वाह, मैं नेल्स नहीं बढ़ा पा रहा हूँ इसलिए, खोलो लगाओ लगाओ। अरे उसको ठंडा लग रहा है,
नहीं लग रहा, नहीं लग रहा, ठंडा लग रहा है। मुझे भी ठंडा लग रहा है। नहीं 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 क्या कर कर रखे जाओ, खराब हो जाए। पॉलिश लगाओ पंजे माला नेल पॉलिश। और कुछ लैंग्वेज? अभी मैं जंप करके भाग रहा हूँ। मूड को फ्रेश करने के लिए मूवी देखा जा रहा है। उड़ी देख रही हूँ, अभी 6:45 बज चुका है। चलो एंजॉय। अभी छोटा सा स्क्रीन में क्या एंजॉय करूँ, इसको उसके साथ कनेक्ट करने का मन कर रहा है, लेकिन उतना झमेला कौन करेगा। वाला बिस्किट वाला सिनेमा होते होते आ गया। सिनेमा वो पहले हॉल में आता था ना, अभी क्या देखो मल्टीप्लेक्स में तो वो सब फैसिलिटीज नहीं है। हाफ टाइम के पहले आ गया। हाँ पहले सिनेमा हॉल में भी था ना, बदम भजा तो हमारे लिए कोल्ड ड्रिंक्स और कुछ तो देख। काला बर्बन है, काला बर्बन दिख रहा है मुझे। दे अभी स्वीटी का पूरा खजाना ना, वो कभी हाथ लगाने नहीं देती। काला बर्बन खबो ना ना। अरे ये अब बर्बन कोड़े दीच्छे तो लेना से की कोते। अरे ला ए स्वीटी दे अब देख पूरा पैकेट। अरे डब्बा, अरे ये डब्बा ना लॉकडाउन जब से शुरू हुआ है तब से ये है स्वीटी का खजाने का डब्बा। मतलब कभी कभार भरता है, कभी कभार खाली हो जाता है। इतना बिस्किट नहीं खाती हूँ। आप लोग खा लो पहले। आप लोगों को क्या खिला रहा है ये, कौन सा? अच्छा ये वाला, ये काला नहीं है। मैं हमेशा आप लोगों को मारी बिस्किट खिलाती हूँ, सॉरी उसके लिए। तो आज पहले अच्छा वाला बर्बन बिस्किट, ये मुझे बहुत पसंद है, बहुत। एक्चुअली इसका जो बाहर का बिस्किट है ना, क्रीम उतना ज्यादा ना हो तो भी चलेगा, क्रीम उतना पसंद नहीं है, स्वीटी को दे देती हूँ। लेकिन ये कभी कभार खाती हूँ। किसको किसको पसंद है वो भी बताए। हाफ टाइम के बाद मिलते हैं। घर में जरूर ट्राई करना, घर में जरूर ट्राई करना। खुद लाओगे तभी ना ट्राई कर पाओगे। अभी मैं मेरा इमेजिन कर लो, ब्लैक बर्बन। मिलते हैं मूवी के बाद। मूवी देखने के बाद बेड का हालत देखो, ये सारे पिलो ना, मतलब सब बैक रेस्ट, किसी का पैर का रेस्ट, किसी का सर का रेस्ट। कुछ कुछ फ्रेंड्स कभी कभार पूछते हैं मैं इतने सारे पिलो किस लिए। अभी देखो पिलो इस्तेमाल करने के लिए, कोई पीठ पे रखेगा, कोई सर पे रखेगा, वो दोनों तो बैक रेस्ट हिसाब से यूज होते हैं। हमारे मूवी देखना हो गया, थैंक यू सो मच। चलो अभी तुम ऐसे ही रहो, बाद में करती हो, खाना बनाना पड़ेगा। अभी बारिश शुरू हो गई फिर से। यहाँ पे जीरा, लौंग, इलायची, दालचीनी, इसको ड्राई रोस्ट कर रही हूँ। मस्टर्ड ऑयल पे चॉप्ड अनियन, और ये जो मसाला है इसको अभी ड्राई ग्राइंड करूंगी। कुछ स्पेशल बन रहा है। मुंबई पे पहला इतना अच्छा बारिश हुआ है, और ये वीकेंड में ना शांतनु पहले से लिस्ट बना के रखते हैं, ये बना। और वो मसाले के साथ जिंजर गार्लिक, थोड़ा सा पानी देके इसको ग्राइंड करना, स्मूथ पेस्ट बनाना। और मूवी देखना हो गया। देखते देखते 2-3 बार नेट का कनेक्शन गड़बड़ा गया, तो मतलब मेरा मूवी देखते देखते देखना, बीच में अगर आपका ब्रेक हो जाता है तो बेकार हो जाता। उरी देखा सबने, शायद देख लिया होगा, मैं ही शायद बची हुई थी उरी देखने के लिए, क्योंकि मेरे सारे फ्रेंड्स ने देख लिया था। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, इमोशनल भी है। किसी ने अगर नहीं देखा तो रोगे तो डेफिनेटली। शांतनु रो रहा था। अरे शांतनु, अरे शांतनु क्या देख रहा पता है वहाँ पे? सुबह में एक बार गए थे और अभी 5-6 सामान आया है, और शांतनु रो रहे थे ना। शांतनु कुछ भी इमोशनल मूवी में होता रो रहे थे। नहीं ऑटोमेटिकली ये रोना तो आएगा डेफिनेटली। और कुछ स्पेशल कुछ बन रहा है स्वीटी का फरमाइश से मेरे चैनल पे, शायद मैं पहली बार बना रही हूँ। बैकग्राउंड में शांतनु क्या करता है पता है? मतलब मैं जिस दिन अच्छा खाना बनाती हूँ, जिस दिन आलू पोस्त बनाती हूँ, जिस दिन सुबह में बनाया था साग, वो सब में नहीं आता। अभी वो अच्छा खाना बन रहा है ना, तो देखता है ठीक तरह से बन रहा है, क्या कर रहा है वो। मतलब अभी ये जगह के आसपास ही घूमेगा, जादू का छड़ी। हाँ वो मतलब किचन के आसपास ही घूमेगा, एक बार करके आएगा। खुशबू आ रहा है। एंजॉय करो तो थोड़ा कीड़ों का आवाज देखो, मेडिटेशन होगा। कैं कैं वाला नहीं है, मतलब वो फ्रॉगी वाला नहीं है, बालकनी तो इस तरह से है। हेलो बालकनी, बालकनी को देख के एक बार करके अच्छा लगता है, लेकिन ये ऊपर का कपड़ा है ना बेकार हो जाता है। आज स्वीटी को देखो पहली बात, शांतनु सुबह से क्या बोल रहे, बता बता स्वीटी का ये ड्रेस देख के क्या बोल रहा था। मतलब उसका शौक पूरा नहीं हो पाया, सॉरी क्या करे, किंगफिशर का तुम वो नहीं हो पाए तो क्या करे। अभी वो घर पे ही वो शौक पूरा कर रही है, उसको ये ड्रेस बहुत पसंद है। बोलते कुछ वो एयरलाइंस का जैसा एक फील आता है, वो फील ही कर लो बस। इस तरह से एकदम ब्राउन ब्राउन जब फ्राई हो जाएगा मसाला डालना है। अभी इसको भूनना है, मसाले में पानी का मिलावट तो ये मम्मी लोग से सीखा है। अरे नष्ट नहीं करना,
मेरे मम्मी को देख रहे हैं, मम्मी जब वो कटोरी में मसाला मतलब वो सिलबट्टा में पीस के रखती थी ना, वो कटोरी को भी धो के डालते थे। मम्मी को बोलते अच्छा इसीलिए ज्यादा टेस्ट आता है क्या? मसाला देखिए एकदम भुना भुना होना चाहिए इस तरह से, काफी देर तक भून लिया। अभी मैं इसमें बोनलेस चिकन को हल्दी और नमक लगा के रखा था, छोटा छोटा पीस कर लिया, और इसको अभी बिना पानी से भून भून के कुक करना है। भून भून के इस तरह से किया, पानी एकदम भी नहीं। और फिर से कढ़ाई पे मैंने मस्टर्ड डाल दिया, उसमें ग्रीन चिली, अनियन थोड़ा मोटा मोटा करके स्लाइस, इसको हाई हीट में फ्राई करना है। ये जोमेटो वाला डिलीवरी लेने के लिए आ गया है। लाल कलर का जो मजा है, अभी किंगफिशर से बेचारा को जोमेटो बना दिया। और ये जब हल्का सा फ्राई हो जाएगा, मतलब एकदम क्रंची क्रंची रहना है, उस टाइम पे जो चिकन है उसको दे दूंगी। किसी को समझ आ रहा है क्या बन रहा है? क्योंकि ये ना फैले वाले का रेसिपी है, उसको अभी भूनना है। मिर्ची भी ज्यादा दोगे तो अच्छा लगेगा। अभी ब्लैक पेपर कुटी हुई, काला नमक, ब्लैक सॉल्ट, टोमेटो केचप, चिली सॉस है तो वो भी डाल सकते हो, ग्रीन चिली सॉस जो होता है, मेरे पास नहीं है तो इसलिए वो माइनस कर रही हूँ। उसको इस तरह से भून भून के बनाना है। तो अगर आप तवा पे बनाओगे ना, जैसा तवा फ्राई होता है ना वैसा बनना है, मतलब केचप वगैरह अपने टेस्ट के हिसाब से। ब्लैक पेपर तीखा होगा। बन गया क्या? चार बार टेस्ट हो चुका है, इधर से तो आधा खत्म ही हो रहा है। मतलब मुझे बोल रहा है कि सब देखो सब टेस्ट ठीक है कि नहीं। रानीगंज का मतलब स्पेशल रेसिपी जिनका नहीं पता है, मेरा मोस्ट फेवरेट शांतनु का आविष्कार, एक ठेले वाले का रेसिपी। मैं खड़ा होकर देखता था कि वो क्या क्या डालता था उसमें। मैदा को गूंद के रखा है काफी देर तक, मतलब आधा घंटा, और गीला कपड़े से उसको लपेट के रखा था। और यहाँ पे आटा मतलब दो टाइप का बन रहा है, और मैदे का या आटा का जो भी बना रहे हो थोड़ा पतला करके बेलना है। तो इम्पोर्टेंट पार्ट है ये बनाना, ये पतला करना, और ये रोटी जैसा बड़ा जैसा, मतलब साल में एक बार करूंगी तो ऐसा ही होता है। ये कौन सा देश का मैप हुआ है? ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया हाँ, हो जाएगा थोड़ा बहुत, इसको थोड़ा ऐसे करके दे दो शेप, ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। इसको जस्ट रोटी जैसा सेकना है, अभी पराठा नहीं बना रही हूँ। ये आटा का बेलना इजी है, ठंडी के लिए इसमें आटा नहीं, मैं नहीं बनता। ये हल्दी वर्सन रोटी बनाया है, उसको अभी पराठे के जैसा पहले सेक लूंगी। फ्राई फ्राई करना है, मेरा तवा बीचों बीच बहुत पतला है इसीलिए वो बीचों बीच ज्यादा हो रहा है। और अभी अंडे में मैंने सिर्फ सॉल्ट डाला था थोड़ा सा, ऐसे ऐसे करते हैं। चलो तो बिछा दो, नहीं तो कहीं पर कम होगा कहीं पर ज्यादा। अरे वो उनका काम है डेली बेसिस पे करना, मैं साल में एक बार करती हूँ। और अभी जो चिकन बनाया था ना, ये थोड़ा ज्यादा चिकन डाला, मैं ठेले वाला, हाँ ठेले वाली हूँ, मेरे वाला मैं थोड़ा ज्यादा चिकन डाला। पत्ता ही दूंगी, दो पीस ज्यादा दे दूंगी। हमारे वहाँ पे नेटिव में रानीगंज या मेरे ससुराल में गंगाजल घाटी, वहाँ पे इस तरह से रोल बनाया जाता है। ये और एक होता है काठी रोल, जो कोलकाता साइड में भी मिलता है, यहाँ पे भी मिलता है, वो तंदूरी चिकन से बनता है, वो इस तरह से भुना करके नहीं बनाया जाता। मुझे ये वाला ज्यादा पसंद है क्योंकि मैं बचपन से ये वाला ज्यादा खाती है, आसनसोल में ज्यादा खाती थी। कॉलेज से जब चार मेरे फ्रेंड्स थे उनके साथ जब आसनसोल मार्केट जाती थी, थोड़ा मतलब टहलने मतलब मार्केट घूमना, मार्केट में दो चार सामान खरीदना, जब हम लोग घूमते थे ना आसनसोल मार्केट में तुम्हारा सब तो खाती थी। और वो खाने के टाइम में वो उससे झगड़ा भी करते थे, एक के साथ एक फ्री हाँ? फाव मांगता था ना, जैसे वो फुचका में फाव मांगती थी। दुकान के पास पता नहीं अभी वो दुकान है या नहीं, टेस्ट अभी भी मेरा मुंह पे लगा हुआ है। मेरा मुंह पे वो रानीगंज में वो तुम्हारे रानीगंज पे, क्या नाम है वो, क्या बाजार, बड़ा बाजार के वहाँ पे। इसमें देखो अनियन तो डाला नहीं जाता क्योंकि वो लोग, हाँ ये मैं डाल रही हूँ क्योंकि वो लोग डबल खर्चा नहीं करेंगे, डबल खर्चा नहीं करेंगे, थोड़ी डबल इतना नहीं डालते हम लोग। अभी देखो मैं घर पे बना रही हूँ, थोड़ा ज्यादा सॉस नहीं, ऑलरेडी ऑलरेडी सॉस दिया हुआ है। और इसको इस तरह से जैसा रोल बनाते हैं उस तरह से थोड़ा दबा के, नहीं तो खुल जाएगा। अरे पीछे से निकल रहा है, रोल वाले जो निकल जाते हैं ना उसको अंदर डालता ही नहीं है। नहीं मैं बोल देता हूँ भैया एक पीस गिर गया। हाँ उधर ही रह देते हैं। टेस्ट बताओ। किसी को अगर अंडा पसंद नहीं है तो बिना अंडा वाला भी बना सकते हो, जैसे स्वीटी को अंडा पसंद नहीं है, सिर्फ एग रोल पसंद है, लेकिन वो एक चिकन रोल उसको पसंद नहीं है, इसीलिए सिर्फ चिकन रोल बन रहा है उसके लिए। बना बना ठेले वाला अच्छी तरह से मुझे बहुत लेक्चर दे रहे थे, इधर से गिर रहा है, उधर से ठीक नहीं हो रहा है, ठेले वाला के जैसा, और तुम्हारे जैसा छोटा था। सीढ़ी का मुंह देखो, सीढ़ी का मुंह देखो, बोले ये मैं खाऊंगी।
ऑब्वियसली तेरे लिए है। लाइफ इज सो इजी। स्वीटी के लिए एक चैलेंज, रोल चैलेंज, हम नहीं खाएंगे, स्वीटी अकेले खाएगी, देखती हूँ कितना खा पाती है। पूरा खत्म कर दो स्वीटी। सच में बचपन में ना मतलब देख के लगता था ठेले वाले के पास काश दो तीन चार पांच खा सकते हैं मतलब, लेकिन एक खाने के बाद ना हालत खराब ही हो जाती है। लो स्वीटी खा लो, खा लो, खा लो। पटक दे भाई तू अंदर जा, मैंने दुटो दुटो पर भी ना छुट्टी वाले दो खा लूंगी। ये बहुत जंबो जंबो, अरे मैत्रीस पैशन का रोल है, कोई कंजूसी नहीं है। नहीं सुनो ठेले वाले का क्या दोष है, हम लोग भी तो कंजूसी करके पैसा देंगे, वो भी तो 100 रुपीज का रोल रहेगा। नॉर्मली यहाँ पे तो ज्यादा मिलता है, यहाँ पे 140-160 लगता है। हाँ, यहाँ पे काफी रोल मिलते हैं, ये वाला रोल नहीं मिलता। कौन सा तेरा वाला, उसका और अंडा पसंद नहीं है। नाम लिखा है 60? नहीं बड़ा वाला, इटा हमार। इसका फुल क्रेडिट शांतनु, क्योंकि मैं भी बचपन से खाती आई हूँ लेकिन कभी देखा नहीं। वो बनाता है भागुन भून के बनाता है। शांतनु एक बार खड़े होकर देख रहे हो, तो देख क्या रहे हो, कैसे बना रहे, क्या डाल, क्या क्या डाल रहा है, ब्लैक पेपर इतना सा दिया, टोमेटो सॉस भी नहीं होता है, ग्रीन चिली सॉस भी नहीं होता है, कुमड़ो सॉस होता है, कद्दू का आधा कद्दू रहता है उसमें, और ग्रीन चिली सॉस में भी क्या मालूम नहीं, वो तीखा तो रहता है नहीं, लेकिन उसमें ज्यादा टेस्ट रहता है, मिलावट में ज्यादा टेस्ट रहता है। रानीगंज का याद आ रहा है, कौन कौन है रानीगंज का, चला जाओ बड़ा बाजार। ससुराल में भी स्वीटी ने खाया था ना, रोल नहीं खाया था, चाउमीन। हाँ चाउमीन तो दारू है। ससुराल में से पानी पानीपुरी फेमस है। हाँ हाँ पानीपुरी वहाँ पे खा करके उसके बाद लगता है और कुछ ट्राई नहीं किया। इस बार सोचा था कितना कुछ खाऊंगी, वहाँ का एक टेस्ट ही अलग है। ऐसा होता है सबका मायके, बोले ना मायके सबके लिए थोड़ा अच्छा, ये जरूर ट्राई करना, मस्ट ट्राई रेसिपी। स्वीटी को लग रहा है मतलब एक ही ड्रेस है, ये बोलता है ना मम्मी ने ड्रेस नहीं दिया। शांतनु मुझे बोलता है तुमने क्या उसको ड्रेस नहीं दिया, एक ही ड्रेस, ये टी शर्ट शांतनु का है, स्वीटी पहनती है, स्वीटी को बहुत अच्छा लगता है। तो स्वीटी के हिसाब से फूड क्या है, फूड या रेसिपी क्या है? हैप्पीनेस। वाह, ये तो एकदम पक्का फूडी है। अभी और नॉलेज बढ़ा फूड के ऊपर, हाँ सिर्फ हमारे देसी खाने के ऊपर थोड़ा ज्यादा करके, हाँ हमारे देसी खाने के ऊपर थोड़ा ज्यादा करके नॉलेज बनाओ, तभी हमारे नेक्स्ट जनरेशन भी नॉलेज। क्या डिस्टर्ब करती है मुझे। तो वीडियो कैसा लगा जरूर बताना, और अच्छा लगा तो लाइक जरूर करना, वीडियो अगर अच्छा लगा है नए फ्रेंड्स हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। अभी मिलेंगे कल के और एक इंटरेस्टिंग ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, लव ऑल माय फ्रेंड्स। तो दिखाना भूल ही गई, मैंने बैंगल्स पहना, अच्छा लग रहा है ना, बैंगल्स खाने का अलावा बैंगल्स बोला, अभी पूरा एकदम बैंगल्स पूरा प्रोनाउंस करके बोलो, छोड़ो।